संभवतः विश्व में पहली बार होगा, ये पाठ लगातार 72 घंटे तक चलेगा और आपके आप सभी के माध्यम से मैं शहर के सभी धर्मावलंबियों से और कीर्तिमान बन रहा है 500 वर्ष के वनवास के पश्चात राम जी अपने धाम में पधार रहे हैं, तो अजमेर में भी इस तरह का एक आयोजन हमने प्रयास किया है और लगातार 72 घंटे तक हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ और प्रत्येक पाठ के ऊपर आहुति, ऐसा शायद संभवतः पहली बार कहीं हमारे यहाँ होने जा रहा है और हमारे कोटा के मशहूर व्याकरणाचार्य जी और विद्वान पंडितों के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा संभवतः विश्व में पहली बार होगा। ये पाठ लगातार 72 घंटे तक चलेगा और आप सभी के माध्यम से मैं शहर के सभी धर्मावलंबियों से और निवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस धोला बाटा स्थित मल्लावेली अवधपुरी में पधारें और अपने हाथ से आहुति दें। और ये कार्यक्रम अध्यात्मक के साथ साथ पर्यावरण को भी जोड़ने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि जो इसमें हवन सामग्री है विशुद्ध हवन सामग्री रहने वाली है, जो 22 तरह की जो आयुर्वेदिक हमारे शास्त्रों के वेदों के अनुसार जो हवन सामग्री उसकी आहुति इसमें लगने वाली है और प्रत्येक यहाँ जो उपस्थित रहेगा सबके पास में पात्र की व्यवस्था यहाँ रखी जाएगी, जो इसमें आहुति प्रदान करने के लिए उस पात्र में अपनी आहुति डालेगा और वो विधिवत रूप से हवन कुंड में चली जाएगी। मैं आपके चैनल आप सभी के माध्यम से जनता से भी निवेदन करता हूँ, धर्मावलंबियों से निवेदन करता हूँ, धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मल्लावेली धोला बाटा पधारें और कार्यक्रम में सहभागी बने और इस राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक स्तर के और विश्व स्तर के पर्यावरण को सुधारने वाले और राममय कार्यक्रम में अपनी आहुति देने का निवेदन है। ये मन्ना हवेली में जिसका नाम हमने अवधपुरी रखा है उसमें 72 घंटे का निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है। मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है पूरे अजमेर की जनता से कि प्लीज़ आप लोग आइएगा और 11, 21, 51, 108 जैसे भी जिसकी श्रद्धा हो वैसे अगर आप आहुति देंगे तो इससे आप लोगों का बहुत कल्याण होगा। ये एक बहुत मिराकुलस कार्यक्रम होने वाला है बेसिकली, और उसके अलावा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज़ ज़रूर आइएगा इस कार्यक्रम में। ये एक विश्व स्तर पे होने वाला है बिकॉज ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड जो है वो 24 घंटे का हनुमान चालीसा रिकॉर्डेड है इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट वी आर ट्राइंग फॉर 72 आवर्स। तो 72 आवर्स अपने आप में एक रिकॉर्डेड चीज़ रहेगा एंड वी हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उनमें हमने एक एप्लीकेशन दिया है। सो लेट्स सी अगर ये प्रोग्राम कितने लोगों की मैडम व्यवस्था होगी यहाँ पे? यहाँ पे एक साथ 200 लोगों की व्यवस्था हो जाएगी और हवन के इर्द गिर्द कम से कम 10 लोग एक साथ आहुति दे पाएंगे। इतना बड़ा कुंड बन रहा है, कम से कम 21 इंच का कुंड बन रहा है, तो एक साथ 10 लोग आहुति दे सकते हैं आराम से। रानू महेश्वरी अध्यक्ष बेटिया पंछी एकदान की। 18 तारीख से 22 तारीख तक राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी संस्था बेटिया पंछी एकदान ने 72 घंटे का निरंतर हनुमान चालीसा और यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं अवधपुरी मन्ना हवेली धोलापाटा में। क्या कुछ खास रहेगा इस आयोजन में? सबसे खास ये है कि 72 घंटे निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा और हर हनुमान चालीसा की पूर्णावती के ऊपर आहुति दी जाएगी और जो आहुति में साकल्य हम काम में ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से वैदिक जड़ी बूटियों के द्वारा निर्मित है, कोई रेडीमेड बाजार से लिया हुआ नहीं है। हमारी संस्था की जितनी भी सदस्याएं हैं वह सब मिलकर के हवन सामग्री को अपने हाथ से बना रही है और उसी को इसके साकल्य में इसमें काम में लिया जाएगा। घी हमारा प्योर देसी गाय का घी हम काम में ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दूसरी ऐसी कोई सामग्री काम में नहीं ले रहे जो वैदिक रीति के अनुसार नहीं हो। किस चीज़ का मिश्रण होगा इसके अंदर? छाप छबीला, लौंग, जायफल, हरी इलायची, बड़ी इलायची, नाग केसर, नागर मोथा, जटामासी, इस प्रकार की टोटल 22 जड़ी बूटी हम काम में ले रहे हैं, गूगल, धूप, इत्र, जिससे वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा और इसका जो बाद के अंदर हवन पूर्ण होने के बाद में कोई भी अगर यज्ञ भस्म ले जाना चाहता है तो वह ले जा सकता है हमारे यहाँ। 22 तारीख को सुंदरकांड पाठ होगा पूर्णावती के बाद में, उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव लाइव हम दिखाएंगे यहाँ पर राम अवधपुरी के अंदर और उसके बाद में महाआरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। नवीन महेश्वरी। इसका एक चीज़ में आपके अनुष्ठान जो है
ये कोटा के एक महाराज हैं डॉक्टर वर्षनी भरत जी महाराज, वो उनकी देखरेख में होने वाला है। वो अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 13-14 पंडितों के साथ यहाँ पधारेंगे, क्योंकि 24 घंटे का आयोजन रहने वाला है। कुछ विश्राम करेंगे, कुछ वापस टेक ओवर करेंगे, ये आयोजन उनके द्वारा होगा। वो कोटा के और पूरे राजस्थान के बहुत ही मशहूर इस मामले में हैं, जो कई तरह की जो इनकी गतिविधियाँ हैं उसमें वो सम्मिलित रहते हैं, और कुल पुरोहित के अलावा वो बहुत सारे काम भी करते हैं, जन्मपत्री भी अच्छी पढ़ते हैं, बाकी कई चीज़ें उनकी देखरेख में होने वाली हैं। तो उनके होने से हम लोग निश्चिंत हैं कि हमें पंडित और वो जो हमारे जो 4 दिन का लगातार प्रोग्राम है 72 घंटे का, उसमें कोई बाधा आने की संभावना नहीं है, वो उसको हमने सबसे पहले इंश्योर किया है। तो ये 72 घंटे हनुमान चालीसा लगातार चलेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है 5 से 6 मिनट का जी, तो ऐसे में 72 घंटे किस तरह से हनुमान चालीसा रहने वाली है? मेरे को लगता है पंडित जी एक दो पंडित बैठेंगे, एक जैसे ही खत्म करेंगे दूसरे प्रारंभ करेंगे, यानी कंटिन्यू हनुमान चालीसा। कंटिन्यू हर हनुमान चालीसा के बाद में आहुति होगी साकल्य की। अजमेर की जो जनता इस अवधपुरी में आएगी वह सभी जने अपने हाथ से इस आहुति देंगे, उसमें पूरे अजमेर शहर की सारी जनता उत्साहित है इस कार्यक्रम में आने के लिए। सामाजिक, मेरा नाम के गौड़ है और मैं सीनियर सिटीजन सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्यक्रम के लिए कटिबद्ध हूँ। एक चीज़